हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वे टू अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो एक बार प्लीज कंफर्म कर दो फटाफट जल्दी से। वॉइस क्लियर आ रही है, इमेज क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है, तो प्लीज कंफर्म इट। फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फटाफट कमेंट कर दो जरा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो पिछला लेक्चर है वो भी देखा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगला पार्ट मतलब आपका सिनोनिम्स हो गया और एंटोनियम्स हो गया, वो रह गया था, और एक आपका होमोफोन्स होते हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोनाउंस करने में सिमिलर काइंड ऑफ वॉइस आती है जिनकी। ठीक है ना, ठीक है। ग्रोइंग गेमर, हाँ आशुतोष, ठीक है, क्लियर आ रही है, ओके डन। आज लेट ऐसे होगी, पहले 8 बजे सोचा था बट थोड़ा कुछ काम पड़ गया था तो वो कंप्लीट करके फिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फेस वगैरह सब क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, तो सिनोनिम्स भी चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सिनोनिम्स आप सबको पता है कि सिमिलर मीनिंग जिसके होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। ठीक है ना, साइनोनिम्स भी बोलते हैं कोई लोग, सिनोनिम्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, एनीवेज अब चलते हैं जरा। जो पहला क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स में क्या आया था, ही इज ऑलवेज कैप्सियस, ही इज ऑलवेज कैप्सियस। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? देखो कैप्सियस जो वर्ड है मैं तुम्हें बता देता हूं सीधे सीधे। देखो भैया, आपको ना वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी का कोई और ऑप्शन नहीं होता। कई बच्चे पूछते रहते हैं सर वोकैबुलरी याद कैसे होगी, ये मेरे को भी याद नहीं थी, मैंने भी देखी फटाफट, जो मेरे को आती थी वो तो मैंने फटाफट कर दिया। ठीक है, जो नहीं आती तो मैं देख के लेके आया आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है ना, वोकैबुलरी याद करनी है ऑन अ डेली बेसिस, अगर यूज कर सकते तो यूज करो। ठीक है ना, एनीवेज आगे चलते हैं। देखो कैप्सियस मतलब ये होता है यहाँ पे सीधे सीधे, अ पर्सन हु फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीथिंग। ठीक है ना, अ पर्सन हु फाइंड्स फॉल्ट्स इन एवरीथिंग, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैप्सियस बोलते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधे सीधे, फॉल्ट फाइंडिंग। क्लियर है, फॉल्ट फाइंडिंग क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। देखो 10 अगर तुम्हारे सिनोनिम्स आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप 10 में से 10 सही करके आ जाओ। ठीक है ना, बट अगर 7 से 8 भी आप अगर सही कर दोगे तो दैट इज अ गुड स्कोर। ठीक है ना, तो सभी नहीं करके आने होते हैं बट 7-8 भी अगर कर लोगे दैट इज अ गुड स्कोर। क्लियर है, ठीक है। यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्ट फाइंडिंग। कैप्सियस मतलब होता है फॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है ना, जोवियल नहीं होगा, जोवियल मतलब हंसाने वाला। ठीक है ना, वरीड मतलब परेशान, पैशनेट, पैशनेट भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा फॉल्ट फाइंडिंग। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान सा दिख रहा है आपको, ठीक है ना, इजी सा दिख रहा है। जियोमॉर्फोलॉजिस्ट असर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट अर्थ। जियोमॉर्फोलॉजिस्ट क्या होते हैं आपका, अर्थ के बारे में, अर्थ के मतलब अर्थ के गर्भ में जो चीजें होती है उसके बारे में वो अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो असर्टेन, असर्टेन क्या होता है भैया, असर्टेन मतलब होता है सुनिश्चित किया, सुनिश्चित किया, क्या किया, सुनिश्चित किया। तो यहाँ पे देखो इन्वर्ट, इंक्रीज, ओमिट, इन तीनों में से कुछ हो सकता है क्या? नहीं, असर्टेन मतलब क्या हो गया आपका, सुनिश्चित करना यानी कि वेरीफाई करना। तो वेरीफाई किया उन्होंने उसको, ठीक है, असर्टेन किया यानी कि वेरीफाई किया, वैलिडेट किया। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। राज मनोज, कॉम्प्रेंशन जरूर जरूर, कॉम्प्रेंशन भी कराएंगे इसके बाद, डोंट वरी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्टेन हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सेटिंग की दिक्कत है, एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्लिक क्यों नहीं हो रहा भैया, यहीं से बढ़ाते हैं इसको आगे। चलो अब अगला जो सवाल है वो आपका है 23rd नंबर पे,
मेरे को इस साइड से आना पड़ेगा जरा यार। हाँ तो 23rd नंबर पे जो सवाल है वो है आपका, द कर्नल ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मीट हिम इन द कमिश्नरी। कमिश्नरी नहीं है, कमिश्नरी है। क्या है? कमिश्नरी। बड़ा अच्छा वर्ड आया आपके पास, कमिश्नरी। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी आएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो द कर्नल ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मीट हिम इन द कमिश्नरी। देखो दो मीनिंग होते हैं वैसे इसकी, बट यहां पे जो इसका मेन मीनिंग होगा यहां पे वो क्या होगा, सिंपली आपका, ठीक है, कमिश्नरी सिंपली आप जहां पे जो आपका सोल्जर्स का आपका क्या रहता है, सामान वगैरह रहता है, खाने पीने का सामान, ठीक है ना। तो उस स्टोर को हम क्या बोलते हैं, कमिश्नरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमिश्नरी बोलते हैं। तो यहां पे क्या ऑप्शन हो सकता है, ये कैंटीन वाला इसका एक हो सकता है इसका ऑप्शन, ठीक है। बाकी मैंने कुछ जगह सर्च किया तो उसमें ऑफिस भी आ रहा था, उसमें ऑफिस भी आ रहा था, ठीक है, कमिश्नरी ऑफिस भी आ रहा था, बट यहां पे जो है मोस्ट प्रोबेबल इसका कैंटीन ही होगा, ठीक है ना। कैंटीन जहां पे मतलब इसका एक मीनिंग ये आता है कि जहां पे डिफेंस सोल्जर्स का क्या रहता है, आपका खाने पीने का सामान रहता है, ठीक है ना, उसको, तो यहां से कैंटीन से उसको रिलेट कर दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अगला सवाल है, द डॉक्टर डिसमेंबर्ड द पेशेंट्स फिंगर फर्स्ट एंड देन क्योर द एलिमेंट। डिसमेंबर मतलब क्या होता है? डिसमेंबर। वेलर फौजी, देखो कुछ चीजें होती हैं, मतलब मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा था सीडीएस में, कई बच्चों का ऐसा कुछ, मुझे लगता है सीडीएस के बच्चों को ना मैथ्स पढ़नी नहीं है, सच बताऊं। मैंने जब पहले इससे पहले इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था मैं, ठीक है ना, डीडीए दून डिफेंस अकेडमी में पढ़ाता था, तो वहां पर मुझे ऐसी लगा कि कई बच्चे क्या होते हैं कि उनको मैथ्स पढ़नी नहीं है सीडीएस की, उनको बस उनको या तो ओटी की तैयारी करनी है, या तो उनको जीके या इंग्लिश ही पढ़नी है, ठीक है ना, या तो उनको जीके या इंग्लिश पढ़नी है बस। तो इस वजह से ऐसा कुछ रिस्पांस मुझे लगा नहीं कि बच्चों को पढ़नी भी है, नंबर सिस्टम की इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस डाली, इतने अच्छे क्वेश्चंस करवाए मैंने, बट कोई रिस्पांस ही नहीं आता बच्चों का, ठीक है ना। तो फिर उस वजह से मुझे लगा कि हो सकता है आप लोगों मतलब जो सीरियस मैथ्स वाले उनको कुछ बहुत ज्यादा आता है या उनको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट एनीवेज देखता हूं मैं भी, अगर डिमांड बढ़ेगी बच्चों का, कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं डेफिनेटली करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए एनीवेज बढ़ते हैं आगे। हाँ, डिसमेंबर मतलब क्या होता है? देखो डिसमेंबर मतलब अलग अलग करने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब डिसमेंबर करना, अलग अलग करना, ठीक है, डिसमेंबर मतलब अलग अलग करना, काट करके किसी चीज को अलग कर दिया, जैसे डिसमेंबर। तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया स्टिच होगा क्या, नहीं होगा स्टिच मतलब जोड़ना होगा, प्लास्टर मतलब भी क्या होगा आपका, जोड़ना होगा, स्प्लिंटर, स्प्लिंटर मतलब क्या होगा, स्प्लिंटर, स्प्लिंटर। तो इसका जो डिसमेंबर का मीनिंग बताऊं क्या, यहाँ पे डाइसेक्ट, डाइसेक्ट मतलब आपने देखा होगा ना, डाइसेक्ट डायग्राम बोलते हैं, है ना, आपने सुना कि नहीं सुना, डाइसेक्ट डायग्राम ऑफ एनिमल्स जो होता है, तो डाइसेक्ट मतलब ये होता है आपका, डाइसेक्ट मतलब क्या होता है, डिसमेंबर करना, मतलब अलग अलग करके काट करके अलग कर देना, तो डाइसेक्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है ना, डाइसेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 25th क्वेश्चन नंबर पे। मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बर्सर इन द स्पोर्ट्स एकेडमी। मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बर्सर इन द स्पोर्ट्स एकेडमी, क्या होगा इसका ऑप्शन, सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, कोच, ट्रेनर। भैया देखो ये जो आपके जो मीनिंग आए हैं ना, मैं तुम्हें सच बताता हूँ एक बात, कई लोग क्या होता है ना, आपको क्या करते हैं कि हम ऑप्शन से करवाना सिखाते हैं आपको। ऑप्शन से कैसे करोगे, कर लोगे क्या ऑप्शन से, कुछ होगा यहाँ पे ऑप्शन से? जो चीजों टीचर बन रखे हैं आज की डेट में इंग्लिश का, खैर मैं तो मैथ्स का टीचर हूं पर्टिकुलरली, बट आई एम टेलिंग यू इससे कुछ नहीं होता, ऑप्शन से मत जाओ, ऑप्शन से कहीं कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है ना। कई लोग क्या दिखाते हैं तुम्हें कि हम ऑप्शन से करके दिखाते हैं तुम्हें, दो तीन ऑप्शन अलग कर देते, तो क्या ऑप्शन अलग होगा यहाँ पे बताओ ना जरा, कोई ऑप्शन अलग हो सकता है यहाँ पे? तो ये सब फालतू की बातें हैं, वन शॉट वीडियो देख के ना किसी का सिलेक्शन नहीं होता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वन शॉट वीडियो मत देखो। कई बच्चे क्या करते हैं कि वन शॉट वीडियो देख देख के सोचते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बताओ वोकैबुलरी में वन शॉट वीडियो देखो कुछ होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा। वोकैबुलरी तुम्हारा 6 महीने साल भर की मेहनत जो होती है ना वो काम आती है। अब ऐसे ऐसे वर्ड आए वहां पे तुम्हें समझ नहीं आएगा वो क्या वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, और वो तुम्हें जो सिखाते हैं कि भैया ऑप्शन से कैसे करें, ऑप्शन से, ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं काम करेगा यहाँ पे, अगर याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है, साफ और सीधी बात, ठीक है ना। ठीक है हाँ फिलर फौजी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत बढ़िया सर हैं वो, उनसे तुम कर सकते हो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। बट एनीवेज अगर कुछ होगा तो आई विल डेफिनेटली कम अप विद सम सॉल्यूशंस, ठीक है ना। देखो बर्सर क्या होता है ना, बर्सर एक मतलब ओल्ड वर्ड है, इसका मतलब ऐसा ट्रेजरर होता है, ट्रेजरर, ट्रेजरर समझते हो ना आप,
ट्रेजरर जो मतलब पैसे वगैरह का आपका क्या होता है कोषाध्यक्ष समझ दो, ट्रेजरर मतलब कोषाध्यक्ष होता है, ठीक है ना, पैसे वगैरह का जो लेन देन देखता है। तो मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बर्सर इन द स्पोर्ट्स एकेडमी, तो यहाँ पे क्या होगा अकाउंटेंट हो जाएगा, अकाउंटेंट इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा कई लोगों को लगता होगा कि स्पोर्ट्स एकेडमी, देखो यूपीएससी है भैया, स्पोर्ट्स एकेडमी लिख दिया तो मतलब स्पोर्ट्स एकेडमी में क्या कोच होगा, नहीं भैया, ट्रेनर होगा, नहीं भैया, कुछ नहीं है। तो ये ट्रेजरर होता है, बर्सर मतलब होता है ट्रेजरर यानी कि अकाउंटेंट, इससे मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा था आपसे, हाँ पहली बार सुना, ग्रोइंग उम्र देखो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लोग कभी भी डिपेंडेंट मत होना कि वन शॉट वीडियोस देख ले इंग्लिश के लिए, बस उससे काम बन जाएगा। 3 घंटे 4 घंटे के एक लेक्चर देख लो वोकैबुलरी का, अरे हाँ हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा डेली बेसिस पे, ऑन अ डेली बेसिस लगातार आपको वोकैबुलरी लिखनी पड़ेगी अपनी कॉपी में, तब जाके आप थोड़ा बहुत सही कर पाओगे। देखो ये मीनिंग तो मेरे को नहीं पता थी कई सारी इसमें, और कई सारी पता भी थी, ठीक है, जो पता थी मैं तुम्हें बताता रहूंगा साथ साथ में, ठीक है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब बढ़ते जरा हम कौन से नंबर पे, 26th नंबर पे चलते हैं जरा फटाफट, 26th नंबर पे चलते हैं। 26th में क्या है, हाँ ये his intentions are insidious क्या होगा इसका जरा बताइए फटाफट, his intentions are insidious, ये बोलना भी नहीं आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है, his intentions are insidious, ठीक है ना, his intentions are insidious, intention मतलब क्या होता है उसके मन में जो चल रहा है मतलब, ठीक है ना, intentions वो जो करना चाहता है intentions, his intentions are, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सिनोनिम बताना है आपको, pious, inadvertent, deceitful, knave, क्या होगा जरा बताओ, pious मतलब होता है अच्छा, ठीक है, अच्छे विचार, ठीक है, पायस शुभ बोल लो या अच्छा बोल लो, इनएडवर्टेंट दैया, इनएडवर्टेंट जो होता है ना ये इंटेंशन का क्या होता है आपका ऑपोजिट होता है, यानी कि इनएडवर्टेंट मतलब होता है जानबूझकर नहीं या फिर अपने आप समझ लो, ठीक है ना, इनएडवर्टेंटली अनइंटेंशनली दोनों एक दूसरे का क्या है आपके ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो एनीवेज अब चलते हैं, यहाँ पे जो मेन मतलब है इंसिडियस का वो होता है डिसीटफुल, क्या होता है डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब होगा आपका धोखेबाजी से संबंधित है, धोखेबाजी से संबंधित मतलब उसके जो इंटेंशंस है ना वो धोखेबाज किस्म के हैं, मतलब धोखेबाज इंसान है वो, कुल मिला के ये कहा गया, उसके इंटेंशंस कैसे हैं धोखेबाज किस्म के, यानी कि वो धोखेबाज इंसान है, कुल मिला के ये कहा गया इसमें, ठीक है ना। तो उसके जो मतलब हरकतें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि आपके घर में कोई जैसे सपोज काम करने आता है, तो वो उसके इंटेंशंस आपको देख के पता लग जाता है ना कि इसके इंटेंशंस कैसे हैं, थोड़ा बहुत माना सामान वगैरह गुम होने पड़ा आपका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो यू कैन से हिज इंटेंशंस आर इंसिडियस, क्या हिज इंटेंशंस आर इंसिडियस, क्लियर है, ठीक है, इंसिडियस, गुड गुड गुड, मूवी भी है, चलो बहुत बढ़िया, हमें नहीं पता था ये तो, खैर चलो एनीवेज चलते हैं 27th क्वेश्चन की तरफ, 27th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखो फटाफट, ये तो आसान वर्ड है, बाकी सारे आसान वर्ड आए थे इसके बाद, डिसमेंबर आसान था, उसके बाद इंट्रिंसिक आसान था, ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक किसे बोलते हैं भैया बताइए फटाफट, इंट्रिंसिक किसे बोलते हैं, रिस्पेक्ट फॉर द अदर ह्यूमन बीइंग्स इज इंट्रिंसिक टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजियंस, क्या कह रहा है आपसे कि जो सारे धर्म होते हैं, सारे धर्म जो होते हैं उनकी टीचिंग्स में क्या चीज कॉमन है, वो है रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स इज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब होता है किसी के अंदर निहित, ठीक है ना, किसी के अंदर निहित, अगर मैं यहां पर लिख दूं यहां पर निहित, तो इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है निहित, उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, पेरिफेरल मतलब होता है बाहर बाहर, पेरिफेरल मतलब होता है बाहर बाहर से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, पेरिफेरल, पेरिफेरल नहीं होगा यहाँ पे, इनहेरेंट, इनहेरेंट आ जाएगा भैया, इनहेरेंट, 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 इंट्रिंसिक, इनहेरेंट मतलब उसके अंदर की चीज है, इनहेरेंट हमारे अंदर ये इनहेरेंट है कि हम क्या करें, रिस्पेक्ट करें अदर पर्सन की, अदर ह्यूमन बींग्स की, ये सारी टीचिंग्स में ऐसा दिया गया है, क्लियर है। चलिए आगे चलते, ही कंप्लीटेड द वनरस टास्क विद With relative ease, देखो ये भी इजी आपके पास आया था, इजी सेंटेंस था,
ही कंप्लीट द वंडरस टास्क विद रिलेटेड ईज। तो बताइए जरा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। स्मूथ, कॉम्प्लेक्स, रिस्की, वियरिंग। तो वंडरस होता है आपका काफी बर्डन सम, समझ लो आप बर्डन बोल सकते हो आप, या बर्डन सम बोल सकते हो, ठीक है। यहां पे ये वंडरस टास्क, ठीक है, वंडरस यहां पे मतलब एडजेक्टिव तरह यूज हुआ है, तो वंडरस मतलब होता है आपका काफी थकाने वाला, ठीक है ना, काफी थकाने वाला। तो स्मूथ होगा इसका मतलब क्या नहीं होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, ठीक है, जटिल नहीं है, रिस्की नहीं है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे वियरिंग, ठीक है, वियरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वियरिंग। वियरिंग मतलब होता है थकाने वाला, थकाने वाला, ठीक है ना, वियरिंग मतलब होता है थकाने वाला। नहीं नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स के लिए अगर कभी इंट्रिकेट वर्ड आए, इंट्रिकेट इंट्रिकेट इंट्रिकेट, तब आप कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो वहां पे, इंट्रिकेट वर्ड आए तो उसको आप कॉम्प्लेक्स के साथ लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट, ठीक है ना। यहाँ पे वनरस होता है बर्डनसम होता है, और वियरिंग भी होता है क्या, थकाने वाला, ठीक है, थकाने वाला। और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं इसका, एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग थकाने वाला, ठीक है ना। एक और इडियम है आपके लिए यहाँ पे, ऑल इन, ऑल इन, ऑल इन मतलब होता है पूरा थक जाना, ठीक है ना, एग्जॉस्टेड, ऑल इन, ठीक है, वियरिंग, ठीक है, वियरिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28th भी हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जरा, हाँ, अल्फ्रेड वॉज अ पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडल एजेस, अल्फ्रेड वॉज अ पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडल एजेस। अब यहां पे इसका तुम जो है ऑप्शन से जा सकते थे, इस वाले में तुम ऑप्शन से जा सकते थे। कैसे जा सकते थे ऑप्शन से भैया, देखो ध्यान से, इसमें तुम कैसे ऑप्शन से कर सकते थे, यहाँ पे लिबरल जैसा कुछ लग नहीं रहा, लीनियंट जैसा कुछ लग नहीं रहा भाई। कोई बंदा था अल्फ्रेड, वो मिडिल एजेस में क्या था, लीनियंट, लीनियंट मतलब होता है आपका लीनियंट मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर नरम स्वभाव वाला व्यक्ति, ठीक है ना, नरम नरम होना, ठीक है, नरम नरम था क्या अल्फ्रेड, ऐसा कोई मीनिंग बन नहीं रहा यहाँ पे। लिबरल था क्या, लिबरल का भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा है यहाँ पे, डेमोक्रेट का भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, वो क्या होगा, मोनार्क, क्या होगा, मोनार्क। पोटेंटेट मतलब क्या होता है बेसिकली, राजा समझ लो आप कुल मिला के, राजा या फिर डिक्टेटर समझ लो, डिक्टेटर, मोनार्क, ठीक है, ठीक है, आगे समझ में इतना इतना क्लियर है, मोनार्क, हाँ, मोनार्क इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। I abandoned the task due to indolence. Indolence बहुत अच्छा वर्ड आया ये भी, और रिपीटेड वर्ड है indolence. Indolence मतलब क्या होता है आपका, आलसीपना, क्या, आलसीपन, आलसीपन, indolence. I abandoned, abandoned मतलब give up, छोड़ दिया, ठीक है, abandoned the task due to indolence, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होगा, ठीक है, लेजीनेस इज द करेक्ट आंसर, अग्निनेस, अग्निनेस वर्क का भी अग्निनेस होता है क्या, टार्क, टास्क, कोई भी अग्निनेस कुछ नहीं होता, हेल्पलेसनेस भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो होगा लेजीनेस, आलसीपने के कारण मैंने वो काम छोड़ दिया है, क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये तो आसान था, ये वाला आसान था, मतलब चार पांच वर्ड तुम्हारे उसमें अच्छे आ रहे थे, अदरवाइज सारे मतलब चार पांच ईजी थे, चार पांच आपका मॉडरेट थे, जो कि आपने नहीं सुने होंगे पहले कभी, ठीक है। अब चलते हैं, देखो ध्यान से, पेयर्ड वर्ड्स, ये मेरा फेवरेट पार्ट है और आपको भी मजा आने वाला है इसमें, ठीक है, आपको भी मजा आने वाला है, ठीक है। सीडीएस में ये पैटर्न पहले आया था कि दो जो वर्ड्स होंगे, ठीक है ना, होमोफोन्स मतलब बोल सकते हैं उसको आप, जिनका आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेम सेम होता है, बट मीनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है, मीनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसी तरह के यहाँ पे तुम्हारे पास वर्ड आए थे, पहला है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल है, मतलब एक पी ए एल है, एक पी एल ई है। तो भैया देखो, सबसे पहले बात सुनो मेरी, ये जो प्रिंसिपल होता है ना, ये जो प्रिंसिपल होता है, ये वाला एक, तो इसको हम बोल सकते हैं स्कूल, स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल यही होता है, ये वाला प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि मनी, मनी इन्वेस्टेड इन बैंक, जो भी अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, कुछ पैसे आपने बैंक में कोई पैसे डाले हैं, जो भी पैसे डाले होंगे आपको, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, पी आर आई एन सी आई पी ए एल, प्रिंसिपल, ठीक है। और ये दोनों प्रिंसिपल यही होता है, प्रिंसिपल, पी आर आई एन सी आई पी ए एल।
अब आगे चलते हैं, ये प्रिंसिपल देखो, PRINCIPLE, ये प्रिंसिपल क्या होता है, ये सिद्धांत के लिए बोलते हैं, कोई सिद्धांत किसी अच्छे सिद्धांत के लिए या फिर कोई साइंटिफिक आपका कोई सिद्धांत होगा उसके लिए भी यही प्रिंसिपल यूज करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फटाफट ऑप्शन। प्रिंसिपल मीन्स बिलीफ सिस्टम एंड प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। नहीं, गलत हो गया, PLE नहीं होगा, ठीक है, PLE नहीं होगा। प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वही मतलब स्कूल का प्रिंसिपल। एंड प्रिंसिपल मीन्स ओरिजिनल सम ऑन विच इंटरेस्ट इज चार्ज। नहीं, गलत, दोनों प्रिंसिपल सेम ही होता है, ठीक है ना। ओरिजिनल सम मतलब वही जो पैसे मैंने बात की आपसे प्रिंसिपल की। थर्ड, प्रिंसिपल मींस मोरल रूल एंड प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। इट इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। प्रिंसिपल मींस मोरल रूल हो गया, मोरल रूल नैतिक सिद्धांत या फिर साइंटिफिक रूल जो होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल में आते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, दिस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। फटाफट बताओ, समझ में आ रहा है तो? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लेन, ये तो आसान ही है, बट आपको यूज कैसे करना है उसको उसकी बात है। प्लेन, PLANE और PLAIN, प्लेन। देखो ये प्लेन जो होता है ना, एरोप्लेन से संबंधित होता है, कुल मिलाकर समझ लो एरोप्लेन से रिलेटेड, ठीक है, एरोप्लेन से रिलेटेड। और ये जो प्लेन होता है भैया, ये सरफेस, फ्लैट सरफेस रिलेटेड होता है, फ्लैट सरफेस, ठीक है ना। क्लियर है? तो देखते हैं, फ्लैट सरफेस है, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि प्लेन तो मतलब वही एरोप्लेन वाला ही प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन उससे रिलेटेड होगा ये। उसके बाद प्लेन मींस द फ्लैट सरफेस, नहीं ये भी नहीं होगा। प्लेन मींस समथिंग दैट फ्लाइज, प्लेन मींस समथिंग दैट फ्लाइज एंड प्लेन मींस फ्लैट सरफेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो प्लेन्स ऑफ गंगा यानी कि जो फ्लैट सरफेस जो गंगा ने बनाए हैं, गंगा ने निर्मित किए हैं, ठीक है ना, जो उपजाऊ भूमि गंगा ने बनाई है, तो उसको प्लेन्स ऑफ गंगा रिवर, गैंजेस रिवर, वैसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, प्लेन्स ऑफ गैंजेस रिवर, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, प्लेन मींस समथिंग डेट फ्लाइज एंड प्लेन मींस फ्लैट सरफेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आया आपका पेल एंड पेल, ये अच्छा एक वर्ड आया था आपके पास। पेल तो देखो, ये जो पेल होता है ये वाला, ये पीले से संबंधित होता है, येलोइस या फिर आपका और भी वर्ड है इसमें, जैसे क्या होना, फेड हो जाना, कलर का फेड हो जाना, फेडेड इन कलर, येलोइस टाइप का हो जाना पेल होता है, PALE। और आपका क्या फेड हो जाना किसी कलर का, उसको भी पेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो पेल है ना आपका, ये पेल क्या होता है, ये पेल सिंपल एक बकेट को शो करता है, एक बकेट, बस इसका मतलब यही है, इतना बस, बकेट, ये पेल बकेट होता है। और ये पेल क्या होता है, येलोइस या फेडेड इन कलर। चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फटाफट बताओ मुझे जरा। देखो पेल मीन्स इंफीरियर और अनइम्प्रेसिव एंड पेल मीन्स फेडेड। पेल मीन्स फेडेड होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। इस पेल का मतलब ये भी होता है, ठीक है, ये वाला भी हो सकता है, ये भी है इसका मीनिंग, इन्फीरियर और अनइम्प्रेसिव, बट एनीवेज यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा क्योंकि पेल मींस फेडेड है, नहीं, पेल मींस फेडेड और लाइट इन शेड, चलो बढ़िया है। एंड पेल मींस इन्फीरियर, नहीं इन्फीरियर नहीं होगा भाई इसमें तो, ठीक है, पेल मींस फेडेड और लाइट इन शेड एंड पेल मींस अ बकेट, दिस इज द करेक्ट आंसर, जहां पे आपको दिख जाए, क्योंकि इसका और मीनिंग कुछ होता ही नहीं है। PAIL इज ऑनली यूज फॉर बकेट, एक स्मॉल काइंड ऑफ बकेट होती है, ठीक है ना। बाकी PALE आपका येलोइस या फिर फेडेड इन कलर होता है। देखो फेडेड इन कलर है तो बहुत सारे फिगरेटिव मीनिंग आ जाते हैं वहां पे, फेडेड इन कलर मतलब नॉट इम्प्रेसिव, वहां पे हो सकता है नॉट इम्प्रेसिव आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट डजंट मीन कि वो आपका बकेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, बताइए भाई फटाफट। प्रहलाद सिंह, हाय हाय हाय, हेलो हाय, सबको मेरा सलाम नमस्ते भैया, ठीक है। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेटल एंड मेटल, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, मेटल एंड मेटल। अच्छा मेटल तो सबको पता है, मेटल, ये मेटल तो पता ही आपको, ये धातु के लिए यूज होता है, धातु, कोई धातु, ठीक है ना। मेटल जैसे आयरन आपका मेटल है, उसके अलावा आपका गोल्ड आपका मेटल है, तो ये मेटल होता है, ठीक है। और ये मेटल क्या होता है, METALE, दिस मेटल इज एक्चुअली
कॉल्ड योर मेंटल रेजिलियंस। मेंटल रेजिलियंस भैया ये समझना, मेंटल रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस होता है आपको सपोज ऐसा समझो, तुम कितनी जल्दी तुम अपने आप को रिकवर कर पाते हो किसी आघात से, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। रेजिलियंस ठीक है ना। सपोज आपका मतलब आपको रिलेट कर पाओगे इससे, आपका ब्रेकअप हो गया सपोज, ठीक है ना। तो आपका ब्रेकअप हो गया, आप कितनी जल्दी अपने आप को उस कंडीशन से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंट, ठीक है ना। मतलब छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे हर किसी फील्ड में हो सकता है। किसी के फिजिकल रेजिलियंस अच्छा होता है, किसी का मेंटल अच्छा होता है, ठीक है ना, मेंटली। हाँ भाई, किसी का ऐसा तो नहीं हुआ ब्रेकअप हो गया हो यहाँ पे, ठीक है, तो अभी तो नहीं हुआ होगा, आई होप आप लोग पढ़ी रहे होंगे सब लोग, है ना, ठीक है। तो अगर हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मेंटल रेजिलियंस और आपका फिजिकल रेजिलियंस दोनों अच्छा है, ठीक है ना। तो यू कैन ऑल्सो यूज माई मेटल इज वेरी स्ट्रांग, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। I am metalled person बोल सकते हो, metalled, ED लगा देना इसमें, metalled person, ठीक है ना। तो mental resilience क्या है आपका? अच्छा होना चाहिए इन सब condition में। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। metal is the hard shiny material है, ठीक है, hard shiny material होता है, which is a good conductor, बिल्कुल सही है। And metal means malleable metal, नहीं, malleable मतलब होता है खींचतान के, मतलब लंबा हो जाना, तो वो metal ही हो जाता है, खींचतान के क्या होता है आपका, लंबा हो जाता है, that is malleable, ठीक है ना, malleable, ठीक है, ठीक है। रिलेट कैसे करना, ब्रेकअप होने वाली भी होनी चाहिए, अरे भाई तो ठीक है भैया, ब्रेकअप मत कर लेना, ठीक है, अपने आपको कि सर ने एग्जांपल दिया था कि मेटल मतलब होता है मेंटल रेजिलियंस, तो मैं चेक करने के लिए अपना ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। अंकित नौटियाल, तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया क्या? ठीक है, ठीक है भैया, वो अपने आप कंट्रोल करके रखो, ठीक है ना, अपना जो मेटल है इस मेटल को क्या करो, स्ट्रांग बनाओ, और स्ट्रांग बनाओ, ठीक है, बाकी हम तो साथ आएंगे आपके। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, और सॉरी अब यहाँ पे क्या, मेटल इज अ हार्ड स्किनी हार्ड साइनी मटेरियल दैट इज गुड कंडक्टर, एंड मेटल मींस मेटालिक सब्सटेंस, नहीं मेटालिक, इस मेटल का मतलब मेटालिक मटेरियल से कुछ है ही नहीं, तो इसको भी गलत टिक कर दो, ठीक है, इसको भी गलत टिक कर दो। इसके आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका भैया, कहाँ गया, हाँ ठीक है, मेटल मींस मेंटल रेजिलियंस, नहीं ये उल्टा हो गया, देखो ये तो तुम ऑप्शन से भी कर सकते थे, इस वाले को तुम ऑप्शन से कर सकते थे आराम से, ठीक है ना, ऑप्शन से भी हो सकता था यहाँ पे, मेटल मींस मेंटल रेजिलियंस, नहीं मेटल तो आपका धातु होता है सिर्फ, तो मेटल इज द हार्ड शाइनी मटेरियल दैट इज द गुड कंडक्टर, एंड मेटल मींस मेंटल रेजिलियंस, दिस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। मेंटल रेजिलियंस जिसका अच्छा है, ठीक है, ठीक है, उसको दिक्कत नहीं आती बाद में, ये सब मोह माया, एग्जैक्टली सारी मोह माया भैया, चलो पढ़ लो उसमें वही तुम्हारे काम आने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं हेल एंड हेल, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये हेल एंड हेल, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा हेल एंड हेल, आपने अगर अलेटेड टू गॉड वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा आपने, वो देखा होगा, तो उसमें कौन सा है, उसमें ये हेल आया है, ये हेल आया है उसमें, बहुत बार आया, तो सबको पता होगा कि जो जो आपके ओले पड़ते हैं ना, ओले के लिए यूज करते हैं हेल, ओलो के लिए क्या यूज करते हैं हम, हेल, एच ए आई एल, हेल, ठीक है, एच ए आई एल, हेल। ऑप्शन डी, हेल मींस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, डी ऑप्शन, इसका नहीं, इसका नहीं होगा डी ऑप्शन, इस पहले वाले का तो, हाँ पहले वाले का डी था, इसका क्या ऑप्शन होगा जरा बताओ फटाफट, इसका क्या होगा, हेल एंड हेल, इसका जरा बताइए फटाफट, हेल एंड हेल फटाफट, ऑप्शन से किए थे सारे, हाँ तो चलो इसको बताओ जरा ऑप्शन से करके देखो जरा क्या हो सकता है। पहली बात तो तुम्हें बताया कि हेल मींस होता है पैलेट्स ऑफ फ्रोजन, पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन, फ्रोजन रेन, यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही है, और ये तो नहीं होगा, डी वाला कट गया, हेल मींस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ये नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा, एक चीज तो पता लग गया आपको, हेल मींस पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन, ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पे सही, ऑप्शन बी, एग्जैक्टली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब ये हेल मतलब क्या होता है ना, देखो अगर आपने लेटर वगैरह लिखा होगा तो आपको पता है उसमें एक वर्ड आता था होप, होप You are या फिर होप माई लेटर फाइंड यू हेल एंड हार्टी, हेल एंड हार्टी, हेल एंड हार्टी, वही स्वस्थ रहोगे आप, अच्छे रहोगे, तो वही हेल मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हेल्दी रहना, ठीक है ना। माई लेटर फाइंड यू हेल एंड हार्टी, तो हम लोग काफी यूज कर देते ये हेल एंड हार्टी, तो हेल एंड हार्टी मतलब होता है आपका मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, दिस इज द करेक्ट आंसर, और हेल मतलब पैलेट्स ऑफ फ्रोजन, पैलेट्स ऑफ फ्रोजन आपका
फ्रोजन रेन, क्लियर है इतना। चलिए अब चलते हैं, बड़ा ही अच्छा अच्छा वर्ड आया आपका, कॉन्सियस। कॉन्सियस एक है, कॉन्सियस है एक है, कप का है कॉन्सेंस, एक है कॉन्सेंस एक है कॉन्सियस। जरा बताइए बताइए फटाफट क्या अंतर है दोनों में, और इनमें से कौन सा अंतर आपका सही हो सकता है। एक है कॉन्सियस, देख लिख देता हूं मैं, कॉन्सियस, जिसको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी वो समझ जाओ इसको, कॉन्सियस, और ये होता है कॉन्सेंस। कॉन्सेंस ये कॉन्सियस हो गया, कॉन्सियस और वो होता है कॉन्सेंस। कॉन्सियस कॉन्सेंस इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, चलिए मैं बताता हूं फटाफट। देखो कॉन्सियस मतलब होता है, कॉन्सियस मतलब होता है अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स, अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है ना, अवेयर एंड अलर्ट ऑफ सराउंडिंग्स, मतलब आसपास क्या चल रहा है, मतलब हवा चल रही है तो हाँ मुझे पता लग रहा है हवा चल रही है, दिस इज माई कॉन्सियसनेस, दिस इज माई कॉन्सियसनेस, ठीक है ना, जो मैं सेंसों से पता कर सकता हूं कि हाँ मेरे आसपास क्या क्या हो रहा है, आंखों से देख लिया मैंने, कॉन्सियसनेस है मेरी अंदर की वो, ठीक है। कंसेंस क्या होता है, कंसेंस आप इसको समझ लो, कुल मिला के मन समझ लो आप, अंदर का मन, एक प्रकार से मन होता है जो तुम्हें सही या गलत करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, गलत करने के लिए प्रेरित नहीं करता, कंसेंस हमेशा सही करने के लिए आपको प्रेरित करता है, ठीक है, नॉर्मली कंसेंस। तो कंसेंस क्या होता है आपका, आपका अंतर मन होता है, ठीक है, अंतर विचार जो होता है, अंदर का मन होता है आपका, एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग तो एग्जैक्ट नहीं आ रही इसकी क्या हो सकती है, बट ये आपके अंदर का जो वो कंसेंस होता है, आपके अंदर की चीज, वो चीज होती है जो आपको सही रास्ते पर, आपने देखा हो ना कभी आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो या चोरी करने जा रहे हो तो आपका दिमाग क्या बोलता है, यार मत कर ये गलत चीज है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर कंसेंस, दैट इज कॉल्ड योर कंसेंस। तो ए ऑप्शन बोल रहे हैं, सी ऑप्शन बोल रहा है, अलग अलग भैया, ठीक है ठीक है। तो जो ए और सी बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो गलत बोल रहे हैं। कॉन्सियस मीन्स सेंस ऑफ राइट, नहीं सेंस ऑफ राइट वगैरह कुछ नहीं होता, कॉन्सियसनेस होता है आपका अवेयरनेस या अलर्टनेस अबाउट योर सराउंडिंग्स। कॉन्सियस मीन्स अलर्ट एंड कॉन्सेंस मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, नहीं इसी का मतलब होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इसी का मतलब होगा, ठीक है। कॉन्सियस मीन्स इंटेंट एंड कॉन्सेंस मीन अनप्रिंसिपल्ड एक्शन, नहीं अनप्रिंसिपल्ड एक्शन नहीं होता, ठीक है। लास्ट में आता आपका कॉन्सियस मीन्स अवेयर एंड कॉन्सेंस मीन्स सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सर मैथ सलमान सर की लाइव कब होती है, हाँ तो अंकित नोटियाल जो सर की जो मैथ की क्लास है वो 5 से 6 बजे के अराउंड तुम्हारी लाइव चलती है, ठीक है ना, 4 से 6 बजे के बीच में, तो उसको रेगुलर देखा करो आप लोग भी, ठीक है ना, हो सके तो शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है ठीक है। चलिए इतना समझ गए आप, ये कॉन्सियस और कंसेंस। एक आप वर्ड लिखोगे यहां पे स्क्रूपल्स, इसको आप बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को स्क्रूपल्स, स्क्रूपल्स क्या होता है, ठीक है, स्क्रूपल्स क्या होता है, स्क्रूपल्स आपका होता है कंसेंस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, कंसेंस से रिलेटेड, देखना जरा क्या होता है, ठीक है ना, स्क्रूपल्स इसको देख लेना, सर्च मान लेना स्क्रूपल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, डिसेंट और डिसेंट, डिसेंट दोनों, डिसेंट और डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट, डिसेंट नहीं है और डिसेंट ही है, डिसेंट और डिसेंट, जरा बताइए फटाफट इन दोनों का क्या आंसर होगा, डिसेंट और डिसेंट, इसको जरा मैं चारों ऑप्शन दिखा देता हूं, नीचे का ऑप्शन गायब हो रखा है, अब दिख रहा है आपको साफ साफ ऑप्शन, डिसेंट और डिसेंट है, ये डिसेंट वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा, डिसेंट, डी आई डबल एस ई एन टी, डिसेंट, ठीक है ना। तो डिसेंट भैया सुन लो मेरी बात, ये आपका कुल मिला के डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट समझ लो कि किसी बात से सहमत नहीं होना, किसी बात से क्या होना, सहमत नहीं होना। और यहां पर डिसेंट जो होता है ना, देखो कहता है एसेंट, ये होता है एसेंट ऊपर की तरफ चढ़ना, डिसेंट मतलब होता है नीचे की तरफ, डिसेंट मतलब होता है नीचे की तरफ, ठीक है ना, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है ना, तो वैसे ही होता है, उसी से उसी वर्ड से बने असेंडिंग डिसेंडिंग से क्या बना है, असेंड ऊपर की तरफ, डिसेंड मतलब नीचे की तरफ होता है, ठीक है। चलिए अब आंसर देखते हैं फटाफट इसमें, डिसेंट मींस हैविंग आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ, बिल्कुल सही है, और ऑफिशियल पोजिशन, ठीक है, जो भी आपका जनरल बिलीफ है तो उससे डिसेंट होना मतलब उससे डिसएग्री करना, आपका जो आइडिया आपका विचार है उससे अलग है, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। जैसे कॉपरनिकस ने बोल दिया था ना, कॉपरनिकस ने बोला था कि आपका ऐसा नहीं होता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सन के अराउंड, पहले ये बिलीफ था कि हमारी पृथ्वी जो है
सन के अराउंड नहीं, मतलब जो सूर्य है वो पृथ्वी के अराउंड चक्कर मारता है। पहले एक बिलीफ ये था कि जो आपका सूर्य है वो धरती के चारों ओर क्या मार रहा है, चक्कर मार रहा है। बट कॉपरनिकस ने क्या बोला कि नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उन्होंने डिस्टेंस दिखाया वहां पे और बोला कि एक्चुअली में जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट, दिस इज कॉल्ड डिसेंट, ठीक है। तो ये तो सही है, डिसेंट मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस। अरे वाह, ये तो ऊपर ही मिल गया आपको, यहीं पे मिल गया, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, डिसेंट मीन्स हैविंग आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ्स, और डिसेंट मतलब हो गया आपका, डिसेंट मतलब हो गया यहाँ पे मूवमेंट टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस, लोअर प्लेस की तरफ जाना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया आपका, सही हो गया। चलिए फटाफट चलते हैं जरा, डिवाइस एंड डिवाइस। भैया देखो ये डिवाइस तो हो गया आपका, ये डिवाइस तो हो गया आपका, दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है, एक मिनट, ठीक है। ये जो डिवाइस है आपका, ये वाला, ये तो डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ लो, कोई उपकरण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो नाउन है आपका। और यहां पे जो ये डिवाइस है ना, ये आपका क्या है, आपका वर्ब है, क्या आपका वर्ब है। तो मतलब क्या होता है जरा डिवाइस का, बताओ जरा फटाफट मीनिंग बताओ फटाफट, क्या होगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग बताओ क्या क्या होगा फटाफट बताओ। आपका डिवाइस और डिवाइस, ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है कि किसके मतलब प्लान बनाना, तुम समझ लो प्लान बनाओ, प्लान बनाना, ठीक है ना, प्लान, कोई प्लान बनाना, ठीक है। अब कैसे यूज करोगे आप आगे देखते हैं, मीनिंग से समझ में आ जाएगा आपको। डिवाइस मीन्स टू डिटरमाइन, नहीं डिटरमाइन कुछ नहीं होता, डिवाइस मीन्स फाइंडिंग अ वे, न्यू वे, नहीं ये तो नाउन है। डिवाइस मीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट मेंट फॉर एकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क, एग्जैक्टली, ये तो मतलब अभी रुक जाओ, सेकंड बार देखते हैं। डिवाइस मीन्स फाइंडिंग अ न्यू वे टू डू समथिंग, एग्जैक्टली, दिस इज द करेक्ट आंसर। डिवाइस मीन्स आपका पीस ऑफ इक्विपमेंट हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क मतलब आपका उपकरण हो गया, और डिवाइस DEYISE जो आपका आपका क्या होता है, वर्ब होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, फाइंडिंग ए न्यू वे टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए नया रास्ता ढूंढना, ठीक है ना, कोई ऐसा प्लान बनाना जो कि कुछ नया हो, एक नया रास्ता चुन लेना, ठीक है ना, डिवाइस, डिवाइस, क्लियर है, ठीक है, एग्जैक्टली, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। भैया अच्छा खासा पेपर आया था, ठीक है, एनडीए का। जो लोग सोचते हैं कि हमने वन शॉट वीडियोस देख के चले जाएंगे तो उनसे कुछ नहीं होने का, ठीक है। अब इसको देखो जरा, इसमें क्या आंसर सही होगा, एक है डिस्क्रीट और एक है डिस्क्रीट, एक है DISCRETE डिस्क्रीट और ये भी डिस्क्रीट है, ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, क्या आंसर होगा इसमें जरा बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा, डिस्क्रीट DISCRETE और डिस्क्रीट DISCRETE, ठीक है। तो देखो भैया इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है ना सेपरेट, समझ लो सेपरेट, सेपरेट अलग अलग, डिस्क्रीट नंबर्स, ठीक है ना, डिस्क्रीट नंबर्स अलग अलग नंबर्स, सेपरेट होता है जो, सेपरेट, ठीक ना, सेपरेट समझ लो। यहां पे इस डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विवेक से संबंधित, विवेक, विवेक जो हमने देखा था ना कंसेंस टाइप, तो ये मतलब आचरण से रिलेटेड होता है डिस्क्रीट, ठीक है ना, किसी का डिस्क्रिप्शन, जिसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, डिस्क्रिप्शन यहां से बना है यहां से नहीं बना है, ठीक है ना, इससे ही बना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एनीवेज मीनिंग देखते हैं ना, डिस्क्रीट मीन सेपरेट, बहुत बढ़िया, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सही है, सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड डिस्क्रीट मीन्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, नहीं ये नहीं है, ठीक है ना, डिस्क्रीट मीन ये नहीं होता, विवेक होता है, ठीक है ना, डिस्क्रीट मीन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही है। Discrete means maintaining confidentiality, confidentiality. इस तरह इसको hold पे रखो थोड़ा भी. Discrete means being careful in what one says or does. नहीं ये भी नहीं होगा. ठीक है ना. Discrete means misuse of authority and discrete means being careful in what one says or does. ठीक है इसमें क्या आंसर सही हो सकता है? इसमें क्या आंसर सही होगा? बताइए जरा फटाफट. ठीक है. 39 का A. नहीं A नहीं होगा. Misuse of authority नहीं होता. ठीक है इसका मोस्ट पॉपुलर आंसर यही निकल के आ रहा है. डिस्क्रीट मींस सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्क्रीट मींस मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है ना.
वैसे तो विवेक भी होता है, और आप विवेक समझो मतलब कोई बंदा ना ऐसा बंदा होता है जिसको पता है कि कहां पे क्या करना है कहां पे क्या नहीं करना है, डेट इज कॉल्ड डिस्क्रिशन, ठीक है ना, कहां पे क्या चीज करनी है कहां पे क्या चीज नहीं करनी है। तो मे बी वहीं से तुम्हारा ये निकल सकता है कि कॉन्फिडेंशियली कहां पे बनानी है कहां पे नहीं बनानी है, तो वहां से निकल करके आया है, ठीक है ना। तो यहां पे और तो सही हो नहीं रहे, ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और आपका एक वर्ड और होता है डिस्क्रिशन, एक्चुअली मतलब इसी का मतलब होता है एक्चुअली में विवेक, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रीट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसी से बना है, ये डिस्क्रिशन डिस्क्रीट डिस्क्रिशन इससे नहीं बना, इससे बना है, ठीक है, ये इसका मीनिंग भी वही होता है, ठीक है ना, कोई काम विवेक से करना, सही ढंग से करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्क्रीट और डिस्क्रीट। अब आया एमिनेंट और इमिनेंट, बड़ी फेमस वर्ड है दोनों, ठीक है, दोनों फेमस वर्ड है और काफी पॉपुलर है, तो ये मैं कह सकता हूँ एक आसान आपके पास ऑप्शन आया था, बट एनीवेज जरा करते हैं इसको फटाफट। इस एमिनेंट का मतलब क्या होता है जरा बताइए फटाफट, एमिनेंट और इमिनेंट, एमिनेंट और इमिनेंट दोनों अलग अलग मीनिंग है दोनों के, क्या मीनिंग है बताइए फटाफट, ठीक है, ठीक है। एमिनेंट का मतलब क्या होता है आपका, फेमस होता है, फेमस पर्सनैलिटी, एमिनेंट, एमिनेंट इज द फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। और ये इमिनेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बताइए जरा फटाफट, क्या होगा, ग्रोइंग गेमर, ठीक है, इसमें क्या आंसर होगा, एमिनेंट मतलब फेमस हो गया, इमिनेंट मतलब क्या हो गया, ये होता है आपका नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में जो आपका आने वाला होता है, टू हैपन, टू हैपन, जो नियर फ्यूचर में आने वाला होता है या आपका कुछ घटना घटित होने वाली होती है, ठीक है ना, इमिनेंट, इमिनेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, आने वाली विजिट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यहाँ पे अगर उत्तराखंड में है तो ऐसे यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो इमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट एंड फेमस, चलो ठीक है, इमिनेंट मीन्स समथिंग अबाउट टू हैपन, एग्जैक्टली ये आंसर हो गया यहाँ पे, तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है और कुछ, ठीक है ना, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट एंड फेमस, इंपॉर्टेंट एंड फेमस एट द सेम टाइम, एंड इमिनेंट मीन्स समथिंग अबाउट टू हैपन, तो समथिंग अबाउट मतलब आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ए आपका क्या है सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले आगे चलते हैं जरा फटाफट, चलते हैं एंटोनियम्स की तरफ, एंटोनियम्स एंटोनियम्स एंटोनियम्स, ठीक है। मैनी मेटल्स आर मैल्युएबल, मैल्युएबल इन नेचर एंड प्रॉपर्टी, मेटल्स क्या होते हैं मैल्युएबल होते हैं, मैल्युएबल मतलब होता है आपका वही उनकी प्रॉपर्टी होती है खींच करके वो लंबे हो जाते हैं, ठीक है, उनको गर्म करके, खींच करने का मतलब ये है कि गर्म करके उनको क्या कर सकते हो आप, लंबे ले जा सकते हो, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, शुभंग सुयाल, ये कौन है भैया, अनु चौधरी, शुभंग सुयाल कौन है, यानु ग्रोइंग गेमर, ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, चलते हैं जरा अब आगे, मैं बढ़ता हूं अगले वर्ड की तरफ, मैलिएबल, मैलिएबल आपको पता है इससे पहले भी बात होती है, मैलिएबल, मैलिएबल होता है किसी मेटल का खींच तान करके लंबा कर देना, ठीक है, डेट इज कॉल्ड मैलिएबल, ओके। तो यहां पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो स्ट्रॉन्ग से मतलब नहीं है इसका, टेंडर से मतलब नहीं है, ठीक है ना, और आपका वीक से मतलब नहीं है, मैलिएबल मतलब खींच करके तान करके लंबा हो जाता है, तो वो उसका मतलब यहाँ पे हार्ड हो जाएगा, हार्ड इन द सेंस, देखो हार्ड मतलब कोई चीज अगर हार्ड है तो उसको मारोगे टूट जाएगी वो, ठीक है ना, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूं आपसे, शुद्ध हिंदी में आपसे बोलूं तो आपने एक सुना होगा भंगुर, भंगुर सुना आपने, भंगुर, भंगुर मेटल, एक होता है मेटल होता है मेटल, भंगुर नहीं होते, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भंगुर होते हैं, मतलब टूट जाते हैं सीधे सीधे, जैसे कोई लकड़ी है उसको मारोगे आप क्या हो जाएगी, टूट जाएगी वो, बट अगर आप मेटल पे मारोगे, चोट करोगे, आघात करोगे, हिट करोगे, तो वो टूटेगा नहीं, वो खिंचता है, लंबा होता है, तो डेट इज मैलेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मैलेबल इन नेचर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद टू नेग्लेक्ट, टू नेग्लेक्ट अ वार्निंग, नेग्लेक्ट तो पता ही है सबको भैया, नेग्लेक्ट एंटोनियम ढूंढना ना आपने, एंटोनियम, ठीक है, नेग्लेक्ट क्या होता है, नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर करना, ठीक है, डिसरिगार्ड नहीं होगा यहाँ पे, देखो इग्नोर नेग्लेक्ट, हाँ तो इग्नोर तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, डिसरिगार्ड करना वही मतलब होता है, ठीक है, डिसरिगार्ड करना मतलब आपका इंपॉर्टेंट नहीं समझना, ओवरलुक करना भी सेम मतलब मीनिंग है, ठीक है ना, किसी बात को नहीं सुनना, तो रिगार्ड हो जाएगा इसमें,
इफ यू आर रिगार्डिंग अ थिंग मतलब यू आर फोकसिंग ऑन डेट थिंग, ठीक है ना, उस चीज पर क्या कर रहे हो आप, फोकस कर रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, पहले वाले का ए था, इस वाले का सी आंसर हो जाएगा, रिगार्ड हो जाएगा, नेग्लेक्ट मतलब रिगार्ड, ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा अगले वर्ड की तरफ, बहुत अच्छा वर्ड आने वाला है आपके सामने, ये अच्छा वर्ड था, ठीक है, दो वर्ड तो आसानी थे। ये था हिज ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस क्या मीनिंग है भैया ऑस्टेंटेशियस का, बताइए फटाफट। ऑस्टेंटेशियस, हिज ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर सरप्राइज एवरी वन, सरप्राइज एवरी वन, ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस मतलब ये क्या होता है आपका, लग्जीरियस समझ लो इसको, लग्जीरियस टाइप ऑफ, लग्जीरियस समझ लो या शो ऑफ, शो ऑफ बिहेवियर, कई लोग होते हैं ना तो लग्जीरियस टाइप ऑफ जिंदगी मतलब दिखाते हैं, लग्जीरियस मत लिखो, लग्जीरियस थोड़ा मीनिंग अलग हो जाएगा, इसको ये लिखो आप, एक मिनट, आपको ये लिखो शो ऑफ करने वाला पर्सन, शो ऑफ, ठीक है ना, ऑस्टेंटेनियस मतलब शो ऑफ करता है, भैया मेरे पास इतने पैसे हैं कुछ, मतलब मेरे पास 10,000 रुपए या 20,000 रुपए तो शो ऑफ करेगा, ठीक है, या मेरे पास कोई बाइक है, ड्यूक की बाइक है मेरे पास तो मैं दिखाऊंगा बार बार, ठीक है ना, वो छपरीपना जो जिसे हम बोल सकते हैं, तो छपरीपना आपका क्या होता है, दैट इज ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर होता है। तो यहां पे जो आप देखो ध्यान से, यहां पे तीन वर्ड है ना, इसके सिनोनिम्स हैं यार, तीन वर्ड, टाउडरी, टाउडरी हो गया आपका, जैसे टाउडी होता है, गाउडी हो गया आपका, अपेरेंट हो गया, ये तीनों क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, क्या है, सिनोनिम्स हैं, मतलब इसका मतलब भी सेम होता है आपका, मतलब शो ऑफ करना काफी ज्यादा, ठीक है ना, काफी ज्यादा शो ऑफ करना, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर बचता है, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब क्या होता है आपका, मॉडेस्ट मतलब क्या होता है, बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति, ठीक है ना, मॉडेस्ट या हम्बल पर्सन हु डज नॉट शो ऑफ, दिखाता नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दिखाता नहीं है चीजों को, ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद, 43 हो गया, 44 पे चलते हैं भैया, 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड ये आया था, द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक वॉज एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग एक अच्छा वर्ड है, एक्सक्रूशिएटिंग क्या, एक्सक्रूशिएटिंग फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन, भैया मच ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब काफी सारी जनता के लिए, ये क्या था, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब एक्सक्रूशिएटिंग मतलब पेन देने वाला था, क्या देने वाला था, पेन देने वाला था, पेन, ठीक है ना, ठीक है, पेन देने वाला था। तो यहाँ पे आप देखो चार वर्ड है, इसका इसमें मीनिंग क्या हो सकता है आपका, ग्रूलिंग, ग्रूलसम तो पता ही होगा आपको, काफी परेशान करने वाला, ग्रूलिंग, नॉइंग मतलब होता है आपका नौ, चबाने के लिए बोलते हैं नौ, GNAW, चबाना, च्यू, चबाने के लिए बोलते हैं, तो ये भी अगर मैं इसका फिगरेटिव मीनिंग लेकर के जाऊं तो तुम चबाना मतलब तुम कह सकते हो परेशान करने वाला, ठीक है ना। हरोइंग, हरोइंग मतलब भी सेम होता है आपका, परेशान करने वाला, ये दोनों क्या है, सिनोनिम से एक दूसरे के, और इसके भी सिनोनिम होते हैं एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग, ठीक है ना, बहुत परेशान किया लोगों को, तो मतलब माइल्ड अगर मैं देखूं यहाँ पे तो माइल्ड इज द करेक्ट आंसर, माइल्ड मतलब क्या हुआ आपका, ठीक था, मतलब माइल्ड, माइल्ड फीवर, इट वॉज अ माइल्ड फीवर, इट वॉज नॉट एक्सक्रूशिएटिंग फीवर, माइल्ड फीवर मतलब हल्का फुल्का आया बस चला गया, अगर कोविड भी हल्का फुल्का आता 100-200 लोगों को भी अगर कोविड लगता कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो इट वॉज माइल्ड, बट इट वॉज नॉट माइल्ड, इट वॉज एक्सक्रूसिएटिंग, इट वॉज एक्सक्रूसिएटिंग, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, माइल्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब लास्ट में चलते हैं, लास्ट ऑप्शन पे, लास्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारा आज का वो ये रहेगा, अ ट्रिप टू द हिल्स वॉज रिफ्रेशिंग, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, अ ट्रिप टू द हिल्स वॉज रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग मतलब क्या होता है आपका, रिफ्रेशिंग मतलब होता है आपका, ठीक है। अंकित ग्रोइंग गेमर, ग्रोइंग गेमर 45 का बी, एग्जैक्टली 45 का बी इज द करेक्ट आंसर। अब रिफ्रेशिंग मतलब होता है आपको रिफ्रेश करने वाला, तरोताजगी से भर देने वाला, ठीक है, तरोताजगी से भर देने वाला। तो देखो ध्यान से, मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था, वियरिंग वर्ड, वियरी, वियरी एंड टियरी, आई एम फीलिंग वियरी एंड टियरी, आई एम फीलिंग वियरी एंड टियरी, आई एम फीलिंग ऑल इन, सारे वर्ड लिख देता हूं मैं, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, इवन एक और वर्ड है तुम्हारा अवियरी, ये भी आपको क्या होता है, थकाने से रिलेटेड होता है, ठीक है, थकान लगने के लिए हम क्या बोलते हैं, अवियरी बोलते हैं, एग्जॉस्टेड बोलते हैं, ऑल इन बोलते हैं, वेरिंग एंड टियरी बोलते हैं। तो रिफ्रेशिंग इज नॉट रिजुविनेटिंग, रिजुविनेट करना मतलब होता है आपका रिफ्रेश कर देना, तरोताजगी से भर देना, नई ऊर्जा ले आना, ठीक है ना। जय हिंद, जय हिंद प्रीति, ठीक है, रिजुविनेटिंग और रिवाइविफाइंग, तो रिवाइव से ही बना है आपका, ये भी रिवाइव से बना है, रिवाइव भी क्या होता है आपका,
रिवाइव भी क्या होता है आपका, रिवाइव कर देना, रिजुविनेट कर देना, ठीक है, क्लियर है। और इसका मीनिंग तुम खुद देख लेना भैया अभी जा करके, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दो वर्ड्स मैंने आपको दिए थे, एक बोला था मैंने आपसे स्क्रूपल्स, इससे पहले बोला था स्क्रूपल्स, और अभी ये वर्ड निकाल लेना कन्नाइविंग, ठीक है ना। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन हमारे डन हो चुके हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन हमारे डन हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जरा आपको कॉम्प्रेंशन है, तो कॉम्प्रेंशन आप ये जो कॉम्प्रेंशन है आप खुद से कर लेना, बट मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं बस, इसमें आपको करना कैसे कॉम्प्रेंशन, जब भी कॉम्प्रेंशन या पैसेज के सवाल आएंगे इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने, क्या करने, क्वेश्चंस रीड करना है, क्या करना है? देखो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, आपको ऊपर नहीं पढ़ना कुछ भी, पहले क्वेश्चन रीड करोगे आप तो उससे फायदा क्या होता है, जब क्वेश्चन रीड किया आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाई देता हूं हल्का सा यहाँ पे, पीपल रूटेड इन अ लोकैलिटी, पीपल रूटेड इन अ लोकैलिटी कॉज हार्म टू अवेलेबल रिसोर्सेज, जनरेट रिसोर्सेज, बिलीव इन कंजर्वेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, और आपका लास्ट में क्या है, कंज्यूम रिसोर्सेज फ्रीली। अब मैंने एक बार यहां पढ़ लिया ना, मुझे वो वर्ड याद हो गया, पीपल रूटेड इन अ लोकैलिटी, पीपल रूटेड इन अ लोकैलिटी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं यहां पर जाऊंगा ऊपर अपना ये पैसेज पढ़ूंगा, और पैसेज को अब मैं पढ़ूंगा पूरा आराम से पढ़ूंगा पैसेज को, ठीक है ना। तो उससे फायदा क्या होता है, जब तुम यहां पे पढ़ रहे होते ना तो वो वर्ड दोबारा से आ जाएगा, जो नीचे पढ़ा आपने वर्ड वो दोबारा से आ जाएगा। जरा पढ़ते हैं फटाफट, पीपल बाय एंड लार्ज आर कंसर्न्ड विद एंड परस्यू सेल्फ इंटरेस्ट, दे आर अनलाइकली टू बी मोटिवेटेड टू यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन अ प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फैशन, दे आर अनलाइकली टू बी मोटिवेटेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन इफ देयर रिसोर्सेज कैचमेंट्स आर वास्ट, सो दैट तुम भी पढ़ते रहो साथ में, एट दैट डिग्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पोर्शन अफेक्ट्स देम वेरी लिटिल, और इफ दे हैव ओपन बिफोर देम पॉसिबिलिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज any one resource element is depleted, and if their control over the resource base is tenuous, so that other may at any time deplete a resource they value even if they use it in a restrained fashion. Indeed, exhaustive use is highly likely when any one of these three conditions obtain. It is only when people perceive their resource catchments are limited, possibilities of substitution of exhausted resources elements bahut lamba ho gaya, people rooted, dekho aa gaya ye word aa gaya, iske niche kya aa gaya dekho, पीपल रूटेड। तो मैंने तुम्हें ये चीज तो बताई, अब तुमने नीचे पढ़ लिया पहले, एक बार क्वेश्चन पढ़े आपने, अब आ गया पीपल रूटेड इन अ लोकैलिटी एंड रिटेनिंग कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज बेस आर मोस्ट लाइकली टू फुलफिल ऑल थ्री प्रीरिक्विजिट्स फॉर सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज। अब देखते हैं भैया तुम्हारा यहाँ पे क्या पूछा गया था, ठीक है, आइए आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम ऐसा करते हैं, पहले एक बार ये पढ़ते हैं उसके बाद ये पढ़ते हैं। जैसे ये पढ़ा आपने पीपल रूटेड इन अ लोकैलिटी, उसके बाद मैंने पैसेज पढ़ा, तो यहां पे दिख गया मेरे को पीपल रूटेड इन अ लोकैलिटी एंड रिटेनिंग कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज, तो यहां पे देख लो बिलीव इन कंजर्वेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन, रूटेड इन लोकैलिटी एंड रिटेनिंग कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज बेस आर मोस्ट लाइकली टू फुलफिल ऑल थ्री प्रीरिक्विजिट्स फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स यूज। सस्टेनेबिलिटी क्या करते हैं, वो रिसोर्सेज का यूज करते हैं, तो तुरंत आपको ये आंसर यहां पे मिल गया। अदरवाइज देखो अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा दो, जरूर करवाएंगे अंकित नोटियाल, प्रीति कुमारी सर मेरा जीएस वीक है। देखो प्रीति जीएस वीक है तो एक काम कर सकते हो, तुम लोग इंग्लिश अच्छा करो, पहले इंग्लिश अच्छा करो, पीसीएम आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा करो, 100 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। अगर इसमें इतने अच्छा गया तो 100 में से आप 70-80 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा आपका, समझ रहे हो ना। तो जीएस उतनी खराब मतलब थोड़ा बहुत तो जीएस भी पढ़ लेना। देखो ऐसा होता है ना, पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं या तो उसमें से अगर आपको हर पोर्शन में से कुछ ना कुछ आता है तो आपका ओवरऑल स्कोर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़नी है तो उससे भी फायदा मिलेगा आपको, इंग्लिश पढ़ोगे उससे भी फायदा मिलेगा, और जीके जीएस में आप अगर माना पॉलिटी पढ़ लो, ठीक है ना, और कुछ एक दो सब्जेक्ट और पढ़ लो या करंट अफेयर्स भी थोड़ा देख लो साथ साथ में, तो अगर 10 से 15 सवाल भी वहां बनेंगे तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स ओवरऑल, ठीक है ना, ओवरऑल आपका अच्छा मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नोटियाल सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो जरूर, यानी कि नोटियाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या आपको पढ़ना है, ठीक है ना, फिजिक्स से पढ़ना है या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी पढ़नी है तो बता दीजिए, वैसे बायोलॉजी के तो फेमस टीचर है आप लोगों के पास, ठीक है ना, तो बायो का क्लास आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। बाकी जीएस हो गया, पॉलिटी हो गया, जो कुछ भी आपको पढ़ना हो एक बार बता देना मेरे को। खैर जीएस वाला पार्ट हम नहीं छेड़ेंगे अभी, मैं मोस्ट प्रोबेबली फोकस करूंगा आपका इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में, बीएड एनडी मैथमेटिक्स और बीएड सीडीएस मैथमेटिक्स, ठीक है, क्लियर हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है।
और कुछ किसी को पूछना हो? हाँ प्रीति, मैंने अभी तुम्हारी तो बात की, तुम्हें तो बताया कि जीएस कमजोर है, तो पहले पीसीबी पे तैयारी करो। पीसीबी तो पढ़ सकते हो ना, पीसीबी तो कमजोर नहीं होगा। उसके बाद जीएस बोल रहे हो, जीके बोल रहे हो? हाँ जीएस, जीएस मतलब जनरल साइंस बोलना चाह रहे हो क्या तुम? साइंस तो पढ़नी पड़ेगी भैया, एनडीए निकालना है तो साइंस पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। बाकी जीके वाला पोर्शन थोड़ा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बहुत वीक हूँ सर। प्रीति देखो, अच्छा मैथ्स कैसी है तुम्हारी? अगर मैथ्स ठीक है तो मतलब फिर तो तुम अगर मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। मैथ्स जो बच्चा अगर मैथ्स में सही कर पा रहा है तो फिर वो पढ़ सकता है, फिर जीके भी पढ़ सकता है, जीएस भी पढ़ सकता है, ठीक है, तब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो मैथ्स इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट तुम्हें मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, तो बाकी सब्जेक्ट तो ईजी है ना, तो फिर तो पढ़ ही सकते हो आप। बट थोड़ा ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उनमें याद करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपसे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप तो आपसे हो जाएगा, ठीक है? हाँ थोड़ा प्रैक्टिस, देखो प्रीति कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है ऑन डेली बेसिस, थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटे भी निकाल के तुम दोगे अगर जीएस जीके दोनों को, 2 घंटा मतलब एक जीएस को और जीके को, तो इट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है? चलिए आज के लेक्चर को इतना रखते हैं, फटाफट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखता हूँ मैं, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर कुछ आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड लेके आऊं, या फिर आपका सब्जेक्ट वाला अग्रीमेंट लेके आऊं इंग्लिश का, ठीक है ना? ये सब चीजें मैं लेके आ सकता हूँ जल्दी, ठीक है? डोंट वरी अबाउट डैट। तो जितना भी हो सकता है हमसे, हम आपके हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना? बट बी रेगुलर, आप लोग आओ वीडियो देखो अच्छे से, ठीक है? कमेंट वगैरह करो, सर जी हमारे तो सारे सब्जेक्ट्स वीक हैं फिर भी कर लेता। हाँ ग्रोइंग मैन, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, लगे रहो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले जय हिंद।